दूर से सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब हम बहुत करीब पहुंच जाते हैं। हेलो मित्रों, मैं हूं शैलेश, दुनिया के महान सेल्समैन आग मैंडिनो की पहली पुस्तक का 13वां अध्याय सूची क्रमशः 6। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं, सर्दियां जाती हैं और गर्मियां आती हैं, गर्मी कम होती है और सर्दी बढ़ती है, सूर्योदय होता है, सूर्योदय अस्त होता है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, पक्षी आते हैं, पक्षी जाते हैं, फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं, बीज बोए जाते हैं, फसल कट जाती है। प्रकृति मनोदशा का चक्र है और मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूँ, और प्रकृति की तरह मेरी मनोदशा प्रबल होगी, मेरी मनोदशा कमजोर होगी। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। यह प्रकृति के छलों में से एक है जिसे कम समझा गया है कि हर सुबह मेरी मनोदशा बीते कल से भिन्न होती है। कल का आनंद आज उदासी में बदल जाता है, लेकिन आज की उदासी कल फिर से आनंद में बदल जाएगी। मेरे अंदर एक पहिया है, लगातार उदासी से आनंद का चक्कर लगता है, उल्लास से विषाद तक, खुशी से निराशा तक। फूलों की तरह आज का खिला हुआ आनंद कल की मायूसी में मुरझा जाएगा, लेकिन मैं याद रखूंगा कि आज के मरे फूल में कल के खिलने वाला बीज है। इसी तरह आज की उदासी में कल की खुशियों का बीज है। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा, और इन भावनाओं को मैं काबू में कैसे रखूंगा ताकि हर दिन लाभकारी हो, क्योंकि अगर मनोदशा ठीक नहीं है तो मेरा दिन बेकार जाएगा। पहले फूलों के लिए पेड़ पौधे मौसम पर निर्भर रहते थे, लेकिन मैं अपना मौसम खुद बनाता हूँ। जी हाँ, मैं उसे साथ लिए फिरता हूँ। अगर मैं अपने ग्राहकों के पास बारिश, उदासी और नैराश्य लेकर जाता हूँ तो वे बारिश, उदासी और नैराश्य से प्रतिक्रिया करेंगे। अगर मैं अपने ग्राहक के लिए आनंद, उत्साह और मुस्कुराहट लाता हूँ तो वे भी आनंद, उत्साह और मुस्कुराहट से प्रतिक्रिया करेंगे, और मेरा मौसम मेरे लिए सेल्स और धन की फसल देगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा, और आज के दिन मैं अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखूँगा ताकि हर दिन खुशियों भरा और लाभकारी हो। मैं सदियों से इस रहस्य को सीखूँगा। कमज़ोर वो है जो अपने विचारों को उसके कर्मों को नियंत्रित कर देता है, बलवान वो है जो अपने कर्मों को उसके विचारों को नियंत्रित कर मजबूर करता है। हर दिन जागने पर मैं युद्ध नीति का पालन करूंगा। इससे पहले कि उदासी, आत्मदया और नाकामी की ताकतें मुझ पर हावी हो जाएं, अगर मैं विषाद महसूस करता हूं मैं गाऊंगा, अगर मैं उदासी महसूस करता हूं मैं हंसूंगा, अगर मैं बीमार महसूस करता हूं मैं मेहनत दुगनी कर दूंगा, अगर मैं भय महसूस करता हूं मैं आगे छलांग लगाऊंगा, अगर मैं हीनता महसूस करता हूँ मैं नए कपड़े पहनूंगा, अगर मैं अनिश्चित महसूस करता हूँ अपनी आवाज़ ऊँची करूँगा, अगर मैं गरीबी महसूस करता हूँ मैं आने वाले धन के बारे में सोचूंगा, अगर मैं योग्य महसूस करता हूँ मैं पिछली कामयाबी याद करूँगा, अगर मैं तुच्छ महसूस करता हूँ मैं अपने लक्ष्य को याद करूँगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। आज के बाद मैं याद रखूँगा कि केवल निम्न कोटि की योग्यता वाले ही अपनी श्रेष्ठता दिखा सकते हैं, और मैं निम्न कोटि का नहीं हूँ। ऐसे दिन अवश्य आएंगे जब मुझे उन ताकतों के साथ संघर्ष करना होगा जो मुझे खत्म करने पर आमादा होंगे। निराशा और उदासी को पहचानना आसान है, लेकिन दूसरी ताकतें हैं जो मुस्कुरा कर आएंगी और वे भी मुझे नष्ट कर सकती हैं। उनके आगे भी मुझे अपना नियंत्रण कभी नहीं खोना है। अगर मैं आत्मविश्वास महसूस करूं, मैं अपनी नाकामियों को याद करूंगा। अगर मैं ज़्यादा खाना चाहता हूं, मैं पुरानी भूख याद करूंगा। अगर मैं आत्मसंतोष महसूस करता हूं, मैं अपने प्रतिस्पर्धी को याद करूंगा। अगर मैं महानता के पलों का आनंद लेता हूं, मैं शर्मिंदगी के पलों को याद करूंगा। अगर मैं अति
शक्तिशाली महसूस करता हूँ, मैं हवा को रोकने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे अपार धन मिल जाए, मैं भूख को याद करूँगा। अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ, मैं कमज़ोरी के पल को याद करूँगा। अगर मैं महसूस करता हूँ कि मेरे हुनर की कोई बराबरी नहीं कर सकता, मैं तारों को देखूँगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा और इस नए ज्ञान के साथ मैं जिससे मिलने वाला हूँ उसकी मनोदशा को भी समझूँगा। मैं उसके आज के गुस्से और कुढ़ने को स्वीकार करूँगा, क्योंकि वह अपने मन को काबू में करना नहीं जानता। मैं उसके कटाक्ष और अपमान को सह लूँगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि कल वह बदल जाएगा और उससे मिलना खुशी की बात होगी। किसी को एक बार मिलने पर मैं उसका आंकलन नहीं करूँगा। आज मुझे जो भी नफरत के साथ मिलता है उससे मैं कल ज़रूर मिलूँगा। आज वो भले ही एक धेले के लिए सोने का रथ न खरीदे, लेकिन कल वो एक पेड़ के बदले अपना घर दे सकता है। इस रहस्य का ज्ञान मेरी बेशुमार दौलत की कुंजी होगी। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। आज के बाद मैं पूरी मानव जात में मनोदशा के रहस्य को देखकर पहचान लूँगा। इस पल के बाद मेरे अंदर जागने वाला जो भी व्यक्तित्व होगा उसे काबू में करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। मैं सकारात्मक कर्म से अपनी मनोदशा पर काबू पाऊँगा और जब अपनी मनोदशा पर काबू पा लूँगा तो अपनी नियत पर भी काबू पा लूँगा। आज मैं अपनी नियत पर काबू पाऊँगा और मेरी नियत महानतम सेल्समैन बनने की है। मैं खुद पर काबू पाऊँगा, मैं महान बनूँगा। धन्यवाद मित्रों ऑडियो सुनने के लिए।